अस्सलामुअलैकुम जी। आज जो बेसिकली कल्टस का मैंने काम किया है वो ये किया है कि मेरे जो चिमटा था ना राइट साइड वाला, ये देख रहे हैं आप कितनी प्ले है, कैसे टक 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 लगता था। और मैंने फिर ये किया कि मैंने मार्केट से पता किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक दफ़ा प्रेस करवा चुका हूँ पीछे से, ये देख रहे हैं आप, तो ये ऑलरेडी एक दफ़ा प्रेस हो चुका हुआ था। मैंने कहा यार इस दफ़ा प्रेस क्या करवाना है, इस दफ़ा नया लेके डाल देते हैं। और दूसरा ये बुश भी थोड़े से लूज़ हो गए थे, और ये भी देखें आप, ये क्रैक हो चुका है, यहाँ से फट चुका है ये, तो बुश मैंने इसके लास्ट ईयर डलवाए थे। तो मैंने कहा यार इस दफ़ा एक काम करते हैं, चेंज ही कर देते हैं। तो ये मैं राइट साइड वाला तो चेंज कर चुका हूँ, लेफ्ट साइड वाला मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह से वो भी दिखाता हूँ। तो मैं फिर यह लेके आया हूँ जी, प्लाटिनम कंपनी की है ये, प्लाटिनम की सस्पेंशन है, चाइनीज़ ब्रांड में सबसे अच्छा गारंटीड है। तो अभी डालते हैं इसके अंदर, तो देखते हैं कि फिर क्या कैसी कारकर्दगी आती है कैसी नहीं। और ये देखें जी, ये पीछे एल्युमिनियम प्लैटिनम की इसके ऊपर स्टैम्प भी हुई हुई है। वेट वाइज थोड़े से हल्के हैं इससे, ये इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा, इस पीस का ही फ़र्क है। बाकी ये कुछ लेफ्ट वाला कदरे बेहतर था, क्योंकि इसका ये बुश भी ठीक है, ये वाला बुश भी हार्ड है, और ये इसका बॉल जॉइंट भी ठीक है इसका। बस ये था कि राइट वाला ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने कहा यार एक चिमटा डालने से बेहतर दोनों डाल दें। अब चिमटे रिप्लेस कैसे करने हैं वो भी मैं आपको दिखाता चलता हूँ, थोड़ा सा लेटना पड़ेगा इसके अंदर। ये देखें जी, ये बेसिकली क्या होता है जी, मेरे पास ये फ्रंट बोल्ट है इसका, ये फ्रंट बोल्ट है, और उसके बाद यहाँ पर ये दो बोल्ट होते हैं जो क्लैंप लगता है, ये वाला, और उसके बाद एक इसका अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये एक चिमटे का नीचे बोल्ट होता है जो कि एंड को जॉइंट करता है इसके अंदर। तो ये बस दो वो पीछे, और एक ये तीन, और चौथा ये वाला, बस ये चार बोल्ट होते हैं जिसको आप खोलते हैं आपका चिमटा उतर आता है, करना कुछ भी नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए जी 22 का बोल्ट, 22 की सॉकेट चाहिए इसके लिए, और ये पीछे के लिए, और यहाँ के लिए हमें चाहिए हैं 14 की सॉकेट। तो ये इनकी मदद से हमने इसको खोल लिया, और अब सिर्फ हमने करना ये है कि हमने इनको करना है रिप्लेस। मैं यूजुअली हेडलैम्प यूज़ करता हूँ ये वाला, जब मुझे काम करना होता है गाड़ी का, रात के टाइम या शाम के टाइम, तो बहुत अच्छा रहता है ये, 4-5 घंटे आराम से निकाल जाता है मेरे। बाकी इसको रिप्लेस करते हैं चला के, जो इसकी कारकर्दगी है वो फिर मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद है कि अच्छा काम करेगा, लेट्स सी। ये देखें जी, बोल्ट है इसका आगे वाला जो कि हम यहाँ लगाने जा रहे हैं, इसके अंदर लगाते हैं, ये बोल्ट लगेगा यहाँ से, क्लियर पिक्चर दिखाते हैं ये, और इसको थोड़ा सा आई बिलीव कि इसको प्रेस करना पड़ेगा मज़ीद, हाँ जी थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा, ज़्यादा अंदर चला गया। ये जी थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लिया प्रेस करके ऊपर से। अब अगर आप देखें तो आपको गैप नज़र आ रहा होगा यहाँ पर नीचे, ये देखिए थोड़ा सा गैप है, और ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है। अब ये आराम से बोल्ट प्रेस करेंगे तो ये देखिए बैठ गया अपनी जगह पर, और ये इसका वॉशर है और साथ में बोल्ट है, तो ये हम बैक साइड से लगाएंगे यहाँ पर। बस इसको यहाँ से टाइट कर लेंगे, और उसके बाद मेरे पास ये मेन बोल्ट है इसका, ये वाला ये लगाया। ये बेसिकली इसके मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि पीछे वाले को इसको खोलते हैं ये फ्री हो जाता है, इसको इस पिन को बाहर निकालते हैं यहाँ से, नीचे प्रेस करके ये बाहर आ जाती है। तो ये बेसिकली बोल्ट होता है आगे वाला, जिसको उतार के इसको स्लाइड करके आगे की तरफ से बाहर खींच लेते हैं। अदरवाइज ये नीचे दो बोल्ट हैं, अगर आप इनको खोलना चाहें तो इनको खोल लें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता, इसे थोड़ी सी अलाइनमेंट ख़राब होने का भी खर्चा है, तो बेहतर है कि आप इसी को यूज़ करें। ये ब्रैकेट है मेरे पास, ये वाली ये ब्रैकेट है मेरी जो कि इसमें लगेगी ऊपर, ये बेसिकली ब्रैकेट इस तरह से बैठती है इसके अंदर, यूँ बैठ जाएगी ये ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट ऐसे बैठ जाएगी, एक बीच अंदर से लगेगा एक बाहर से लगेगा। मैं थोड़ा सा इसको बोल्ट
थोड़ा सा बोल्ट ऑन कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये देखें जी, ये दोनों बोल्ट मैंने टाइट कर दिए हैं, एक थोड़ा रह गया, एक कर रहा हूँ मैं टाइट। तो वैसे तो यहाँ पर अगर आपके पास रैचेट हो तो सबसे अच्छा है, मेरे पास रैचेट नहीं था तो मैं ये इसको यूज़ कर रहा हूँ। बाकी ये है कि इन दोनों को ये स्लिप हो गया, चलो जी ये स्लिप हो गया, अब ये एक मसला बन गया, तो वापस खोल के लगाना पड़ेगा नया। बाकी ये बोल्ट है एक, ये वाला, ये भी टाइट कर लिया मैंने, ये और वो नीचे वाला भी टाइट हो गया, अब ये रेडी टू गो है जी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि इसका कल लगाते हुए बोल्ट जो था वो स्लिप कर गया था, तो फिर मैंने ये किया कि मैं खरादिया के पास गया हूँ, और खरादिया के पास जाके मैंने इसके ऊपर ओवर साइज चूड़ी डलवाई है, और चूड़ी डलवाने के बाद मैंने इसके अंदर ये 3.5 सूत्र का देसी बोल्ट लेके लगा दिया। लेकिन ठीक रहेगा, देसी बोल्ट को ऐसा मसला नहीं है, वो ओवर साइज था तो मैंने बीच में वो एक्सटेंडेड नट डाल के और वॉशर्स डाल के तो मैंने इसको बंद कर दिया। बाकी मैंने चेक किया फ़िलहाल तो मुझे बहुत ठीक लगे हैं, अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा मुझे। दोनों चिमटे मैंने चेंज किए हैं दोनों साइड के, और ख़ुद ही चेंज किए हैं, आपने देखा भी है पीछे वीडियो के अंदर, बहुत आसान है। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, बेसिकली ये दो बोल्ट होते हैं, ये एक बोल्ट होता है और उसके बाद एक ये बोल्ट होता है जिसको रिमूव करते हैं आपका चिमटा आ जाता है हाथ में। और इसका मैकेनिज्म ये है कि ये ब्रैकेट उतारेंगे आप, वो बोल्ट उतारेंगे, इस पर हल्का सा प्रेशर देंगे या थोड़ी सी इसको प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, उसके बाद आप इसको इस बोल्ट को रिमूव करके उसको स्लाइड करके आगे निकाल लेंगे, आपका पूरे का पूरा ये बाहर आ जाता है। और इसकी भी मैंने व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट करवानी है, लेकिन उसके अलावा भी अभी तक ये ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन है, मुझे कोई ऐसा मसला लगा, हल्का सा स्टेयरिंग हार्ड हुआ लेकिन वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, चलेगी हफ्ता 10 दिन चलेगी तो ठीक हो जाएगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स सेक्शन में लिखे, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।